स्टार्टिंग में ही टाइम से अपना चेकअप करा के ट्रीटमेंट ले लो, ऑपरेशन करवा लो, सबसे बेस्ट कि बस मेरा पूरा ब्रेन तक पहुंचने वाला था, अगर थोड़ा लेट करता तो मैं पैरालाइज या पागल हो जाता। तो थैंक यू सर, बचा लिया आपने। हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन। दोस्तों हमारे साथ हैं संजय जी, हमारे बड़े अच्छे एक पेशेंट हैं। इनको ईयर में प्रॉब्लम थी, ईयर को हमने ठीक किया, सारी बात हुई, बट सबसे पहले इन्हीं की जुबानी में जानते हैं कि इनको क्या प्रॉब्लम थी और अभी ये कैसा फील कर रहे हैं, फिर मैं बताऊंगा इनको जो है क्या जो है वो डिजीज थी। संजय जी। एक्चुअली सर, जब मैं स्टार्टिंग था, कान पस आता था शुरू बचपन से ही, काफी दिखाया बट सोल्यूशन नहीं मिला। सजेस्ट किया फैमिली वाले ने, आपके लिए आपको दिखाया, आपको आपने टेस्ट किया, पता था काफी ज्यादा हड्डी गल चुकी थी अंदर की, सुनने की क्षमता कम हो गई थी, बट ऑफ्टर ऑपरेशन हम देख लेना हो गया कम्प्लीट, फील वेरी बेटर। अच्छा संजय जी, आपको डॉक्टर साहब ने बोला यार कि आपको कान में काफी दिक्कत है, सर्जरी करानी है। बहुत बार सर्जरी के नाम से एक डर लगता है, आपको कहीं ऐसा नहीं लगता? मुझे तो नहीं, फैमिली को डाउट था, तो फैमिली में साथ में पापा मेरे, आपने सजेस्ट किया, पूरा एक देसी लेके समझाया कि तय तत्ता फैला हुआ है, हम संभाल लेंगे इसको। रियल सही टाइम पे आ गया, जब ऑपरेशन हो रहा था बताया पापा गंदा है कि बस मेरा पूरा ब्रेन तक पहुंचने वाला था, अगर थोड़ा लेट करता तो मैं पैरालाइज या पागल हो जाता। तो थैंक यू सर, बचा लिया आपने। थैंक यू। एंड अभी अच्छी विजिबिलिटी है, सुनने मुझे अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है, अब आपको कोई और कोई परेशानी? मैडम हमारे कंट्री में बहुत सारे अभी भी ऐसे लोग हैं जो इलाज नहीं करा पाते, तो आप उनके लिए बेसिकली क्या मैसेज देना चाहेंगे? स्टार्टिंग में ही टाइम से अपना चेकअप करा के ट्रीटमेंट ले लो, ऑपरेशन करवा लो, सबसे बेस्ट। दोस्तों संजय जी को बेसिकली जैसे आपने सुना होगा कान के अंदर हड्डी का गलना, कई बार क्या हम पेशेंट को हमें पता नहीं होता कि कान के अंदर जो है वो हड्डी का गलना क्या होता है। इसमें क्या है कि कई बार कान के पर्दे में जो छेद होता है, उस छेद के कारण जो अंदर ही अंदर जो इन्फेक्शन होता है वो हमारा सुनाई का जो सिस्टम है उसको पूरा डैमेज कर देता है। एंड इसमें क्या है कि सुनाई का भी कई बार अपने को इतना पता नहीं लगता कि दूसरा कान सही होता है, लेकिन उस पस और इन्फेक्शन हड्डी गलने के कारण हमारे को जो वो मवाद होती है, इन्फेक्शन होता है, वो ब्रेन में जाने का बहुत खतरा रहता है। जैसे ये मेरे पास आए थे, तो जैसे ही हमने इनके जो है सारी रिपोर्ट्स देखा तो बड़ा क्रूशियल केस था, जो हमारी मेलियस इनकस ये पूरी डैमेज हो चुकी होती। बट इनका सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जैसे मैंने इनको बताया, इन्होंने बीमारी की ग्रेविटी को समझा एंड तुरंत बोला सर आपको जो बेस्ट लगता है वो कीजिए। एंड हमने इनकी करीब 3 घंटे की सर्जरी की एंड उसके बाद में सारी डिजीज इनकी रिमूव की, एंड जो इनका हियरिंग का सिस्टम था वो भी हमने यहाँ से हड्डी लेके ट्रांसप्लांट करके रिकंस्ट्रक्ट किया। एंड आज ईयर का सारा पैकिंग वगैरह निकालने के बाद आई एम ऑल्सो हैप्पी, बिकॉज जैसे ही मैंने इनकी हियरिंग टेस्ट की, ये बड़े इनकी हियरिंग बहुत अच्छी है, क्योंकि इतनी हड्डी गलने के बाद इतने पेशेंट की हियरिंग होना एक भी बहुत भी भगवान का एक करिश्मा होता है। सो बड़ा अच्छा है। एंड इम्पोर्टेंट मैसेज जैसे इन्होंने बताया कि आपको जैसे ही तुरंत पता लगे बीमारी को ठीक कराओ, उसमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए, इलाज होता है उसका जो है, बट आपको अच्छी जगह जहाँ अच्छी टेक्निक हो वहाँ पता लगा के उसका ट्रीटमेंट कराना चाहिए। थैंक यू।